मैं मांग करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से द केरला स्टोरी जो है इसको टैक्स फ्री किया जाए। जिस तरह कश्मीर फाइल को पूरे देश के लोगों ने देखा, उसी तरह द केरला स्टोरी को भी पूरे देश को देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल में कोई लोकतंत्र तो है नहीं, तुष्टिकरण की राजनीति है, वहाँ तुष्टिकरण हो रहा है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार रिसॉर्ट्स। देखिए, लगातार फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार है, अलग अलग राज्यों की सरकार जो है, जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पे इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले या फिर मध्य प्रदेश की बात कर ले, वहां पे जो फिल्म द केरला स्टोरी है उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है, लेकिन वही पश्चिम बंगाल में जो है इसको बैन कर दिया गया है। ऐसे में अब लगातार जो है बिहार में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है। और भागलपुर पहुंचे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सरकार को सीधे तौर पे सरकार को कहा है कि आप जो है इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दीजिए। उन्होंने इस दौरान सीधे तौर पे कहा है कि वो भाजपा की तरफ से मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, वो आप सुन लीजिए। फिल्म आई है द केरला स्टोरी, क्या बिहार में इसको? नहीं, एकदम मैं मांग करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से द केरला स्टोरी जो है इसको टैक्स फ्री किया जाए। जिस तरह उत्तर प्रदेश में किया गया और भी राज्यों में किया गया, बिहार में भी टैक्स फ्री किया जाए। जिस तरह कश्मीर फाइल को पूरे देश के लोगों ने देखा, उसी तरह द केरला स्टोरी को भी पूरे देश को देखना चाहिए। ये सच्चाई है? तो सच्चाई को देखना चाहिए ना। कश्मीर फाइल्स भी वही था और ये भी वही है, तो इसलिए इसको टैक्स फ्री करके सभी आम लोगों को देखने। पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया? पश्चिम बंगाल में कोई लोकतंत्र तो है नहीं, तुष्टिकरण की राजनीति है, वहाँ तुष्टिकरण हो रहा है। तो आपने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को सुना, वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ से उनका मांग है कि द केरला स्टोरी फिल्म को जो है पूरे प्रदेश में जो है टैक्स फ्री कर दिया जाए, ताकि जो लोग हैं वो सच्चाई से रूबरू हो सके। जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स में पूरी सच्चाई दिखाई गई थी, लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस फिल्म को देखा था, पूरे देश में जो है अलग ही उत्साह देखा गया था जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी। उसके बाद जो है ये फिल्म रिलीज हुई है द केरला स्टोरी, अब इसको भी जो है पूरे प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया जाए, ताकि लोगों तक जो है वो सच्चाई पहुंच सके। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई लोकतंत्र नहीं है, वहां सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति होती है। देखिए, आपको बता दें कि पूरे देश में द केरला स्टोरी को लेकर जो है बवाल मचा हुआ है। एक तरफ भाजपा के लोग हैं और भाजपा जहां पे शासन कर रही है वहां पर इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले या फिर मध्य प्रदेश की बात कर ले, अन्य कई ऐसे राज्य है जहां पे इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में लगातार अब भाजपा की तरफ से मांग की जा रही है कि फिल्म को जो है टैक्स फ्री किया जाए, ताकि लोग जो है इसकी सच्चाई को देख सके, इसकी जो सच्चाई है वो लोग जान सके, बढ़ चढ़ के लोग देख सके। बता दें कि लगातार ही कहा जा रहा है कि लड़कियों को इस फिल्म को देखना चाहिए, इसमें जो है सच्चाई बताई गई है। और इसको ही लेकर लगातार भाजपा जो है जमकर कहीं पे निशाना भी साध रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। इस पर भी सम्राट चौधरी ने कहा है कि बंगाल में जो है तुष्टिकरण की राजनीति होती है, वहां पे कोई लोकतंत्र नहीं है, इसलिए इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फिल्म को बैन किया था और कहा था कि इससे हिंसा फैल सकती है, इसी को लेकर उन्होंने बैन कर दिया था। और ऐसे में बता दें कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा और बिहार में सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि वो मांग करते हैं कि भाजपा की तरफ से उनका मांग है कि सरकार जो है इस फिल्म को टैक्स फ्री करे, ताकि लोग जो है बढ़ चढ़ कर इस फिल्म को देख सके। इस फिल्म की में जो सच्चाई दिखाया गया है, किस तरीके से लड़कियों के साथ बुरा होता है, उस बात को लोग समझ सके। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।